आपके अपने YouTube चैनल विथ माई गार्डन में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो फाइकस के बोनसाई के ऊपर है। दोस्तों कुछ समय पहले यानी कि जब भी बारिश का सीजन चल रहा था तो इस बोनसाई के ऊपर हमने अच्छा खासा वर्क भी किया था। ज़्यादातर इस तरह के वर्क है दोस्तों हम बारिश में ही, सही मौसम होता है, और उस टाइम हमने जो रूट का एरिया होता है उस पर थोड़ा वर्क किया था। तो इसकी सेप है दोस्तों रूट की काफ़ी सारी अच्छी हो चुकी है, और उसके अलावा भी दोस्तों हमने इसके ऊपर का एरिया जिसके साथ दोस्तों अच्छा खासा बोनसाई लुक मिले, इसलिए हमने इसके ऊपर वायरिंग किया था। तो आज हम दोस्तों ये वायरिंग होने के बाद, बारिश का सीजन भी अच्छा खासा रहा था क्योंकि ग्रोथ इसकी काफ़ी सारी 3 मंथ के करीब हो चुका है दोस्तों, तो अच्छी खासी ग्रोथ भी ऊपर के साइड हो चुकी है। तो आज हम दोस्तों इसकी वायरिंग हटा देने वाले हैं और आगे दोस्तों इस पर वर्क करेंगे, क्योंकि इसका लुक दोस्तों बनाने के लिए काफ़ी सारा वर्क हमें करना पड़ा है, क्योंकि एक ऐसा कोई लुक ही नहीं था। लेकिन बोनसाई वर्क दोस्तों ऐसा है कि जितना अच्छा वायरिंग हो और जिसका जितना अच्छा वर्क किया जाए उतना इसका शेप अच्छा बनता है। तो दोस्तों हमने वायरिंग है वो हटा दिया है, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट हो इसलिए, और इसके ऊपर का जो पत्ते है एक्स्ट्रा कुछ ब्रांचेस है वो भी हमने हटा दिए है दोस्तों, और वायरिंग भी निकाल दिया है। वायरिंग निकालते समय दोस्तों सावचेती भी रखनी चाहिए। आप देख सकते हो कि वायर है दोस्तों, उसका निशान है वो भी ब्रांचेस पर हो गया है, तो वहाँ से दोस्तों इसकी ग्रोथ है वो फिर रुक जाती है। तो कुछ समय के बाद हमें इसका वायरिंग है वो हटा देना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर ब्रांच भी दोस्तों चिपक गई है जो हम इस पर करना चाहते थे, और कुछ जगह पर दोस्तों मैंने वायरिंग है वो अभी फ़िलहाल बना के रखा है, हटाया नहीं है। कुछ अभी डेवलप इसमें हो जाए दोस्तों फिर आगे जाके उसका भी मैं हटा दूंगा। तो आप ये भी देख सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर ब्रांच है वो चिपक गई है, और उससे दोस्तों काफ़ी सारी हम जो प्लांट के ऊपर दोस्तों ग्राफ्टिंग करते हैं या तो कलम बोले तो वो करते हैं, तो ये इस तरह का ही हो चुका है। एक के ऊपर दूसरी ब्रांच है वो चिपक गई है, उससे ही इसका पोषण है वो मिलता रहेगा और हमारी ब्रांच है वो वहाँ से अच्छा खासा शेप उसमें बनता रहेगा दोस्तों। तो ऊपर का लुक है वो अच्छा हो गया है, और वायरिंग में भी दोस्तों कुछ इस तरह के स्पेशली वायरिंग होते हैं या तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बोनसाई के लिए दोस्तों लेना या तो अपने पास रखना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों ऐसी चीज़ यदि आपके पास नहीं है तो भी आप ज़रूरी इस तरह के वर्क कर सकते हो। मैंने सभी नॉर्मल चीज़ों से ही दोस्तों इस तरह का वर्क किया है, फिर भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लुक इसमें बन चुका है। और आगे जाके दोस्तों जब भी बारिश का सीज़न होगा तो ऐसा कुछ लगेगा, तो अभी भी उस पर वर्क हमारा कंटिन्यू ही रहेगा। आप देख सकते हो कि नीचे की साइड बहुत ही अच्छा शेप बन चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।